यह निश्चित हो गया परीक्षित जी का कि हम ठाकुर जी के हो गए, ठाकुर जी हमारे हो गए। भैया जिसको निश्चित हो जाता है उसका बेड़ा पार क्या हो जाता है? तो आप राम जी के हो जाओ, राम जी अपारे आपके हो जाएंगे। तो समय दान देना बहुत जरूरी है। लेकिन और आजकल तो ऐसी हालत है कि पूछो ही मत राम जी, पूजा सूजा सी लगे। आजकल के कछू आदमन है तो पूजा सूजा सी लगे, सप्तर से भगवान मंदिर बेरी सो लगे, सुप्राण खाय रामान। आजकल कई लोगों की ऐसी दुर्दशा है। ए, 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 एक एक संत और अच्छी बात बोल रहे थे, तन से पूजा कर रहे, तन यानी शरीर, तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार। पता लगो के तन से तो भागवत में बैठे मनी राम जी कचौड़ी गली में चाट खा रहे, हाँ लंका में जाकर के चाय पी रहे। बनारस में एक स्थान है लंका, एक स्थान का नाम है लंका, वहां की लस्सी बड़ी फेमस है, हाँ बनारस की। तो पता लगो बैठे हैं कथा में लस्सी पी रहे लंका की। तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। बताओ भैया राम जी कैसे जुड़ जावे? आपके हृदय के तार नहीं जुड़े तो राम जी कैसे जुड़ेंगे? इसलिए मेरे साधुओं, आप भाव पूर्वक भक्ति करो, कंजूसी मत करो वरना घाटा खाओगे। कंजूसों का बुरा हाल होता है। अच्छा कंजूस की बात आई, ये कथा याद आ गई। आ एक सेठ था तो उसका नाम था करोड़ीमल, नाम था करोड़ीमल, लेकिन हमने उसका नाम बदल दिया, नाम रख दिया चंगीलाल। हाँ एक सेठ महाकंजूस। भैया जनो लोभी को धन लावर खाए, बाकी बचे सरकार जाए। हाँ लोभी का धन झूठा व्यक्ति खाता है, लावर यानी झूठा। लोभी का धन लावर खाए, बाकी बचे सरकार जाए। बोलो सीताराम। तो एक सेठ था जिसका नाम था करोड़ी माल, एक रुपया दान नहीं दिया। पुराना जमाना ढेला चलता था, तब ढेला 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 चलता, एक रुपया दान नहीं दिया जिंदगी में, एक ढेला दान। एक बार घरवाई ने लोगाई ने कहा दिन भर यहीं पड़े रहे, तो गंगा सफर या गंगा जी स्नान कर आ, 12 किलोमीटर तो है, कौन जाए अब रहने तो। जिंदगी कट गई, घरवाली ने समझाई जिंदगी कट गई, पूजा पाठ करो, भगवान को भजन करो, मुड़ पे नोई बांध के ले जाने, खाली हाथ चलो जाने, कुछ धर्म कर्म कर लो ताकि दोबारा मानव बन सको। अब रहने दो, तुम प्रवचन मत सुनाओ, रोज लड़ाई इसी बात पे होवे दोनों की। एक दिन पत्नी ने जबरदस्ती, आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगी जब तक तुम गंगा जी स्नान करने नहीं जाओ, गंगा ही सफल। अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं, एक हमारे मित्र थे, हमने कहा क्यों भाई तुम गंगा जी नहाते हो? बोले हाँ गुरु जी साल भर में एक बार। हमने कहा साल भर में एक बार क्यों? यहीं काशी के थे, काशी के निवासी। हमने कहा साल भर में एक बार क्यों? बोले साल भर पाप करो, एक बार नहा लो सब धुब जा। हमने कहा बा, हमने कहा एक काम करो 3 साल में एक बार नहाओ करे, काय को कष्ट कर रहे 1 साल में। आहा पत्नी ने कहा करोड़ी मल की आज भोजन नहीं बनेगा, जब कौन दूर है 12 किलोमीटर तो है, गंगा स्नान कर आओ। और सेठ इसलिए बच रहा था कि गंगा जी नहाने जाएंगे वहां पंडा मिल जाएंगे, पंडा मिल जाएंगे तो दक्षिणा मांगेंगे, संकल्प करा लो जजमान, और ऐसे ही 1-2 ढेला चले जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। महाकंजूस आदमी लोभी आदमी बोला हम नहीं जाएंगे। पर बार बार जब पत्नी ने ताना दिया तो बेचारा अन मना करके अच्छा तो ठीक है जा रहे, चला घर से, काशी आया काशी, घाट घाट घूमा पर कहीं स्नान नहीं किया, क्योंकि हर जगह पंडा जी बैठे मिल जाए, कहें कहो जजमान हर हर महादेव। जजमान सेठ करोड़ी मल का हाँ महाराज हर हर महादेव, करो तुम ही करो महादेव, हमारे लायक नहीं। घूमता घामता मणिकर्ण का घाट गया, वहां पर कोई पंडा नहीं। करोड़ी मल ने सोचा ये बढ़िया, यहाँ एक भी पंडा नहीं, खूब स्नान कर लो जल्दी से भाग लो।
स्नान भी हो जाएगा, रुपया भी नहीं लगेगा, काम भी हो जाएगा। बोलो सीताराम। करोड़ी मल गंगा जी में मणिकर का घाट में कपड़ा पड़ा बाहर निकाले, अपनी तौलिया वस्त्र आदि ऊपर रखे, गंगा जी में स्नान करने गया। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे। नाक पकड़ी और जैसे ही डुबकी लगाई सो भोले बाबा तो काशी में कड़कड़ में बैठे हुए। भोले बाबा ने सोचा ऐसा चेला लौटकर मिलने वाला, जैसे ही डुबकी लगाई जब तक सेठ जी डूबी रहे तब तक भोले बाबा पंडा बन के प्रकट हो गए। और जैसे ही डुबकी लगा के करोड़ी सेठ उकरे, बोले खुशी रहो जजमान, हो जाए तुम्हारा कल्याण, हर हर महादेव। इनको पसीना छूट गयो के बे आ गए, जिनसे बचे बे ही आ गए, इन्हीं से तो बचे थे। इतने लोनी छोड़ो, ये तो मुर्दा घाट है, यहाँ तो छोड़ देते, यहीं आ गए। अभी कुछ देर पहले तो दिख नहीं रहे थे, अब कहां से प्रकट हो गए। जब लौट कर देखा पारी पन्ना जी बढ़िया तिलक लगाए, त्रिपुंड लगाए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, गला सूख गया, पसीना आने लगा, क्या करें, देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आ हा हा, जजमान जी संकल्प करो कुछ दो। देखो याद रखना, तीर्थ में स्नान करो तो दान अवश्य देना चाहिए, कितना भी दो, वरना तीर्थ स्नान का फल प्राप्त नहीं होता। स्नान दान दोनों आवश्यक हैं। हा हा हा, लाओ यजमान कुछ। महाराज कुछ नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है। अच्छा एक काम करो, मत दो, नाम लिखवा दो, संकल्प बोल दो, कितने धेला दोगे, धेला का जमाना था, कितने धेला दोगे, हम घर आकर ले लेंगे। महाराज एक धेला देंगे, एक धेला। अब बाहर में कौन घरे, अभी तो आ नहीं रहे, जब आएंगे तब देखे जाएंगे, अभी तो पिंड छूटे। संकल्प करा दिया सेठ, करोड़ीमल गंगा जी को प्रणाम करके वापस घर की तरफ गया। घर जैसे ही पहुंचा तो पहुंचकर भीतर प्रवेश ही किया था, तब तक भोले बाबा ने सोचा अपनी उधारी ले आवे, सोई भोले बाबा पीछे से दरवाजे पर प्रकट हो गए। खुशी रहो जजमान, ये कौन आ गया, अपनी सिटानी से कहा, घरवाली से, नाम था उसका मुन्नी भाई, जाओ देखो कौन आया। बाहर गई, पूरा हाल चाल जाना, तुम्हारे पति ने जो है एक ढेला देने को कहा था। सेठ करोली मल के पास अंदर आई, आपने किसी को तीरथ में एक ढेला दान देने के लिए कहा, उधारी छोड़ा है, पसीना छूट गया करोली मल का, इतनी जल्दी आ गए, हम भीतर प्रवेश नहीं हो पाए जो पहले ही आ गए, अब करें क्या। इन्होंने तो संकल्प बोला था इसलिए कि कौन देना पड़ेगा, जो होगा जो देखा जाएगा, लेकिन ये तो पहले ही आ गए। इन्हें लगा शायद एक आध साल बाद आएंगे, भूल जाएंगे, बातें बना लेंगे। तुरंत दिमाग खराब, महाकंजूस आदमी, पत्नी तो बोली अरे बोले चुप हो जा, जाके बाहर जाकर कह दो कि सेठ जी तो मर गए, दबक गए। सिडानी बोली शर्म नहीं आती अपने मन, अच्छे खासे जिंदा हो, हंस रहे, बोल रहे, खा रहे। बोले तोरे बाप को कहा जा, तुझे क्या लेना देना, एक ढेला बचाएगी कि नहीं, अगर नहीं ऐसा करेगी तो मैं सच में मर जाऊंगा। लुगाई ने सोची ऐसा सुहाग का एक जड़े, बताओ स्वामी जी क्या कहना, जाके कह दो मर गए सेठ जी। अब बोले अगर वो अंदर आए तो, बोले फिर देख लेंगे सिस्टम, एक चादरा ले, थोड़ा सा गुड़ ला, गुड़ किस लिए, चादरा के ऊपर डाल देना, मक्खियां आने लगेंगी, तो सच में लगेगा मर गए सेठ जी। सिटानी बाहर गई, महाराज बड़ा अनर्थ होगा, राम 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 राम, क्या हो गया, सेठ जी तो मर गए, हे भगवान। अब सिटानी ने सोची और सेठ जी ने सोचा था करोड़ी मल्ले के जैसे ही मरे का नाम सुनेंगे तो कहेंगे हम बाद में आएंगे, लेकिन धन्य है भोले बाबा। भोले बाबा बोले अरे राम 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 राम, बताओ हमारा चेला मर गो, हम अंत्येष्टि क्रिया करवा के ना जाए तो पाप लगेगा, जलाकर जाना चाहिए वरना पाप लगेगा, कौन पाप भोगेगा,
जब तक जटानी ने इतना सुनी तब तक भगवान अनंत रूप धर शिव ने घर घर खबर कराई, अनेक रूप धरे और पूरे गांव में खबर क्या कराई, मर गौ सेठ करोड़ी मल चलो चिता जलाई। करोड़ी मल मर गया है चलो, अब गांव भर के आदमी आ गए। अब सिटानी को लगा कि अगर हम रोएंगे नहीं तो गांव वाले कहेंगे कितनी मूर्ख है, खसम मर गौ ये रो नहीं रही है। तो लगी रोबे जबरदस्ती, और सेठ के अगर बैठ के बोली हैं अब मर जा ली, बाबा जी कह रहे जब लो जला नहीं देने बांध नहीं देने जब लो नहीं जाऊंगे। सेठ बोलो ते नमो चलाई हमने पट ले भी। सिटानी बोली कान में दे दो एक ढीला, अबे भी कुछ नहीं बिगड़ा, काय को जो नाटक कर रहे भी फिजूली में। सेठ बोला शांत रह रहे चुप रो। सिटानी बोली असुआई नहीं आ रहे यार। सेठ जी बोले एक गैया लठिया ले हम बताई कैसे नहीं आऊदा। सिटानी बोली मतलब बोले चार रगड़ दे भी पीठ में अपने आप अकुआ आए। सिटानी बोली अच्छो सेठ फंस गो भगवान। और शंकर जी तो बाहर खड़े गांव वाले ना सुना रहे पंडा बने बने अरे राम राम राम, गजब भयो भगवान गजब भयो भगवान, मर गो हमाओ अच्छो खासो जजमान। इनका तो जजमान है गजब भयो भगवान, मर गो हमाओ अच्छो खासो जजमान। तीन दिना पूर्व में गंगा जी नहाए, तीन दिन पूर्व में गंगा जी आए थे, तीन दिन पूर्व में गंगा जी नहाए, एक धेला हमने दान में न पाए, एक भी धेला नहीं पाया, लेने आए थे धेला लेकिन कड़ गए तब तक प्राण, गजब भो भगवान, मर गौ सेठ करोड़ी मल जजमान। अब गांव वाले बोले अब जी बात बाद में करना पंडा जी, उपाय बताओ क्या करना है। बोले कुछ नहीं, चिता ले आओ, सने की ले आओ जिस पर मुर्दा को लिटाया जाता है। बनने लगा सिटानी, फिर बोली बा बनन लगी सने की। सेठ बोलो चुप रहो, चादरा ओढ़ के सेठ लेटो चुप रहो, बीच बीच में चोटियां चुप रहो, मुंह नहीं चलाना है वरना एक ढेला चला जाना है। लुगाई बोली एक ढेला के चक्कर में हमाओ सुहाग उजड़ जाए सो का हुई है। बोले जो सबको हुई है सो हमाओ हुई है, चुप हो जाओ। बड़ी आपत बस गई, सेठानी नहीं मान रही हो, सेठ भी नहीं मान रहा, नहीं देंगे एक ढेला। भगवान ने सोची शायद सुधर जाए, पर गजब को कंजूस, महाकंजूस आदमी, इतना कंजूस, लेटो है सांस रोक ले, गांव वाले आए कैसे मर गो कैसे मर गो। सेठानी बोली अब कहा बताइए, लगी रो में और रोक जाए और धीरे से कान में पूछे अब कहा बताइए। लोगन लगे के अपने पति के गले लिपट रही और बस सीना पे मूड़ धर के बोले बताए अब कहा बताइए। सेठ धीरे से बोलो कह दे हार्ट अटैक में कड़ गए प्राण, लेकिन शंकर जी बोले मर गो जजमा। अटैक आओ तो सो कड़ गए प्राण, सो घरवाई वही बोलने लगी अटैक आया था राम राम। अब बड़ो लंबो घूंघट डारे असुआ निकले ना, फिर भी लगी चिल्लावे हाय राम गजब बो मर गो, अच्छे खासे आए थे गंगा जी से नहा धो के आए थे, कहां से हमने गंगा जी पहुंचा दो प्राण। कड़ गए लगी रोने, भगवान बोले अच्छा भाई देर मत करो जल्दी ले आओ बाहर। सिटानी बोली एक बार हम अकेले में मिलना चाहते हैं, मन नहीं कर रहा, सात भावर पड़ी इनके साथ, 20 साल गुजारे हैं। गांव वाले ने कहा हाँ कोई बात, मन शांत हो जाएगा वरना बाबरी हो जाएगी पागल हो जाएगा। गांव वाले थोड़ा दूर हट गए। अब फिर भी सिटानी कान में बोली अब तो मान जा ले जा भी यहां कह रहे। सेठ बोलो ते तो रो उतरा, जहां तक ले जाएंगे हम जाएंगे लेकिन एक ढेला नहीं निकलेगा। सिटानी बोली मुड़ पे बांध के लेके जाने, मान लो इन्हें अगर बार दौता। सेठ जी बोले वो भी निपट ले भी। लेकिन चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, एक ढेला तो हम देंगे नहीं। भगवान ने सोची शायद अब घरवाई समझा रही समझ जाए, बस बोले बाबा तो अंतर्यामी है, बोले बाबा ने सोचा शायद समझ जाए पर धन रे कंजूस, आहा नहीं समझो।
आदमन से उठा के सने की पे धर दो लकड़ी पे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। घर भाई दौरे तक दौरे दरवाजे तक दौड़ी दौड़ी आई, हाथ पकड़ के बोली उठ जा। सेठ ने धीरे से चादरा में वो हाथ करके चौंटिया ली, चुप हो जाओ। अब गांव वाले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। शंकर जी गौर से देखा, शायद उठे। धन है करोड़ी मल कंजूस, धन है। मरघट पहुंच गया, चिता में लकड़ियां लग गई, लिटा दिया। धन रे आदमी फिर भी लेटा और देखे के अब का हो रहा। तैयारी चल रही थी आगी लगवे की। शिव जी ने सोचा ये तो नंबर एक का कंजूस है, इसे तो उठना ही नहीं है, कहीं इस चक्कर में बर और ना जाए। भगवान सबसे बोले, अच्छा रोको रोको रोको, हम कुछ कान में मंत्र देना चाहते हैं। अच्छा अच्छा महाराज, दो दो कान में मंत्र दो। भगवान ने मरिया कान में, तो सेठ ने आंखें बंद कर ली कि अब तो आऊं चाऊ, कान में मंत्र दे आऊं चाऊ। सेठ ने आंखें बंद कर ली, चादरा हटाओ भगवान ने, कान लो भगवान ने, जागो तुम सेठ, मांगो क्या चाहते हो, जाग जाओ क्या चाहते हो। सेठ पहले तो लगी भगवान है का, और जैसे ये कहा की खोली हो देखो, अरे ये तो वही पंडा है, कहीं ऐसा ना हो छल कर रहे हो। सो सेठ ने फिर बंद कर ली, भगवान पर धक्का देके बोले, अब ना हमसे बनो, हम सब जानते हैं तुम महा कंजूस हो, चिंता मत करो, मांगो क्या चाहते हो, मांग लो। सेठ धीरे से कान में बोलो बोलो, देना ही है तो एक धेला छोड़ दो हम आओ, देना ही है तो जो हमने दिया था वो छोड़ दो। शंकर जी प्रकट भय, बोले धन्य है कंजूस करोड़ी मल, करोड़ी मल भी उठो बोलो धन्य है, आप भी पंडा बनकर आए, तुम भी चलिया हम भी चलिया, तुम हमें चलते रहे हम आपको चलते रहे।